अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज इस 50 लाख रुपए की जीप पर हम एंट्री ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,75,00,000 रुपए के घर के ऊपर। और ये घर बना हुआ है कोहिस्तान इनक्लेव में। सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, यानी आपके पास माउंटेनस रेंजेस हैं, कम्युनिटी सेंटर घर के बिल्कुल सामने, और घर सिर्फ 11 मरले का है, नॉर्वेजियन डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है और इसके अंदर भाई स्विमिंग पूल भी है बेसमेंट में। आए इसका टूर स्टार्ट करते हैं। और व्यूअर्स, अब हम एक्चुअली में उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं जिसका मैंने आपको विजिट करवाना है। यानी सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चलूँ कि भाई ये घर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 11 मरले का बना हुआ है और नॉर्वेजियन डिज़ाइन पर इसको बनाया है BBB बिल्डर्स ने। और व्यूअर्स, क्या खूबसूरत फसाद है, आपके पास रूफ टॉप गार्डन मौजूद है और इस घर के अंदर ना आपको स्विमिंग पूल भी मिलता है इसकी बेसमेंट के अंदर। यानी कंप्लीट सेंचुरी टाइल्स हैं और नॉर्वेजियन डिज़ाइन के अंदर आपके पास ट्रिपल स्टोरीज हैं और इवन ट्रिपल हाइट्स भी हैं विद अ लॉट ऑफ स्काईलाइट्स और मोहागनी के डोर्स यूज किए गए हैं। अगर आप इसको मेन बुलेवर्ड से, यानी जो इसकी लोकेशन है कोहिस्तान इनक्लेव और उसके साथ मेन वाह कैंट, उसकी मेन बुलेवर्ड से अगर आप इसको नोट करें ना, तो एक डिस्टिंक्टिव एलिवेशन है इस कंप्लीट घर की। और कहीं से भी आप इस घर को देखते हैं, क्योंकि एक तो कॉर्नर है मेन बुलेवर्ड पे बना हुआ है, तो आपको एक ऐसी डिफरेंट लुक मिलती है जो आपने आज से पहले शायद कभी ना देखी हो। इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 5,75,00,000 रुपया है और इसका थोड़ा सा आपको एक मेन फीचर मैंने एक्सप्लेन करना है। यानी इसका जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं, आप मेरे साथ थोड़ा सा आ जाएं क्योंकि मैं आपको इसका ग्रीन एरिया भी दिखाना चाहता हूँ। आप एक लैंड क्रूजर आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। LED खूबसूरत स्ट्रिप लाइटिंग है, मेन महोगनी डोर है और आपके पास वी कॉलम पर ये फ्लोटिंग, यहाँ पर एक बेडरूम या मल्टीपर्पज रूम भी बना हुआ है और ये एक फ्लोटिंग डेक है जिससे आप इस घर के अंदर भी एंटर हो सकते हैं इवन यहाँ से। यानी ग्लास आपके पास कंप्लीट लुक है। उसके साथ आप अगर थोड़ा सा पीछे होकर देखें तो आपके पास LED स्ट्रिप लाइटिंग है, इंटीरियर गार्डन मौजूद है और स्विमिंग पूल की भी एक स्काईलाइट यहां पर मौजूद है। वी कॉलम्स का खूबसूरत इस्तेमाल, आपके पास लाइटिंग डिकोर इज इंपेकेबल और बहुत ही फिनेस के अंदर इस नॉर्वेजियन डिजाइन के सिर्फ और सिर्फ 11 मरले के घर को बनाया गया है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस खूबसूरत घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर और क्या क्या बना हुआ है। इस 11 मरले के मैजिकल स्पेसशिप फ्लोटिंग हाउस के अंदर, भाई सबसे पहले ना आपने इस तरह का दरवाजा नहीं देखा होगा किसी भी 11 मरला के घर के अंदर। यानी जो डोर हैंडल्स हैं उसकी क्वालिटी इंपेकेबल है और कंप्लीट मोहागनी सॉलिड डोर है। यानी इसके ऊपर जो फिनिशिंग है, जो फिनेस का लेवल है, वो कितना नेक्स्ट लेवल है आप लोग देख सकते हैं। और ये इस घर की एक मेन एंट्रेंस है जहां से ये दरवाजा आपको वेलकम करता है, कंसोल आपको वेलकम करता है और स्पेशियस दुनिया के अंदर आप एंटर होते हैं जिस पर खूबसूरत लाइटिंग डिस्प्ले है। यानी बहुत ज़्यादा लाइटिंग सोर्सेज हैं और बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन सोर्सेज हैं और इसमें आपको ना डबल हाइटेड स्काई लाइट भी मिलती है यहाँ पर देखने को और कंप्लीट वुडन वर्क है। आप सीलिंग्स में देख सकते हैं कितना ज़्यादा वुडन काम है और उसके साथ जो LED स्ट्रिप लाइटिंग है वो किस कदर फिनेस्ड है। अभी आपने आना है वहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर के अंदर आप फ्लोटिंग साइड से भी एंटर हो सकते हैं जहाँ पर वी कॉलम्स हैं और वहाँ से भी आपको एंट्री में ले कर दिखाता हूँ। यानी सबसे पहले ये जो ग्रीन एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये खूबसूरत फ्लोटिंग डेक जो आप लोग देख रहे हैं, मुझे फॉलो करें काइंडली ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये वी कॉलम्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आप इस साइड से आते हैं तो आपको इस घर की एक्चुअल में जो फिनेस्ट वैल्यू है वो पता चलती है। यानी आपके पास फ्लोटिंग डेक है, आप शाम के टाइम यहाँ पर बैठ सकते हैं, घर के अंदर का भी व्यू आपको मिलता है और उसके साथ
आप यहां से डायरेक्टली भी एंटर हो सकते हैं घर के अंदर, यानी दोनों साइड से आपने सिर्फ स्लाइड करना है और आप एंटर हो गए इस मैजिकल घर के अंदर, यानी कि कमाल की स्पेस। उस साइड से भी आपको एंटर करवा दिया, इस साइड से भी आपको एंटर करवा दिया, और लाइटिंग चेक करें किस कदर नीटली डन है। उसके साथ जितना भी टाइल वर्क आपके पास है, ये सेंचुरी टाइल वर्क है, यानी एस अब्दुल्ला से परचेज्ड है। आपके पास कंप्लीट मोहागनी डोर्स हैं यहाँ पर विद ब्रास हैंडल्स, कंसोल बड़ा ज़बरदस्त, वुडन वर्क इज नीटली डन, जिसके अंदर एक्सटेंसिव काम है, यानी अगर आप थोड़ा सा इसको देख पाएं, जितना भी आप मतलब मेरी जगह पे खड़े होकर अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पास ना काम किया गया है वुडन का। और उसके साथ LED स्ट्रिप लाइटिंग है, आपके पास येलो पाइन की स्टेयर वर्क है जो कि हॉलो स्टेप्स हैं, और ये कंप्लीट एक लाइन है जो आपको फोकस रखती है, और आपका ये एक कॉमन लिविंग रूम सेटअप है जो कि आपका ड्राइंग स्पेस है। उसके साथ एक ब्रिज नेटवर्क भी आपको मिलेगा जो कि बेसमेंट में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक ट्रिपल हाइट ग्लास इफेक्ट है भाई। उसके साथ ये बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है, यानी आपके पास क्योंकि ये कॉमन स्पेस है, लिविंग लाउंज सेटअप है आपका, तो आपका ड्राइंग रूम भी यही है। आप बाहर से इवन यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं घर के अंदर, जो कि एक स्टेप अप है। और उसके साथ बहुत अच्छा नेटवर्क ऑफ यहाँ पर वुडन वर्क, जिसमें आपकी मीडिया वॉल फीचर्ड है, और उसके साथ शैंडलियर चेक करें कितना ट्रेडिशनल और कितना नाइसली डन है भाई। और सारे के सारे जो पंखे हैं लाहौर फैंस हैं एक तो, और एट द सेम टाइम फोर ब्लेड वुडन ब्लैक फैंस आपको देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जो आपने नोट की होगी घर के अंदर, यानी यहाँ से मैं वॉक करके आ रहा था तो आपने देखा होगा कि इस घर के अंदर जो सनसेट का इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी लाइट बहुत अच्छी, नेचुरल लाइट बहुत अच्छी जो है वो इसके अंदर डायरेक्ट हो रही है, और उसकी वजह से आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, आपके पास किचन स्पेस यहाँ पर बनी हुई है, पाउडर एरिया भी मौजूद है, शैंडलियर्स हैं। सबसे पहले पाउडर एरिया चेक करें, ये चेक करें, ओए हो भाई, ये 11 मरले का पाउडर एरिया है, पोटा फैसल, आपके पास बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क ऑफ टाइल्स, इसके ग्रेन्स देखें कितने नीटली डन है, और इम्पेकेबल फिनेस्ट वर्जन के अंदर ना इसको बनाया गया है, और स्पेस भी अच्छी खासी है, यानी आपके मेहमान आते हैं तो कमोड भी यूज़ हो सकता है, आपका वैनिटी सेटअप यूज़ हो सकता है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और छोटी सी स्पेस को बहुत ही कम्प्लीट मैनर के अंदर यहाँ पर पुट किया गया है। मास्टर बेडरूम आपके पास है, यहाँ से आप एंटर होते हैं तो आपके पास है लेडीज़ का फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि इस घर का एक वाइड किचन है भाई, इसके अंदर नॉर्वेजियन आपके पास मार्बल प्लेस्ड है, और इसके ग्रेन्स आपको मैं दिखाता हूँ, यानी आप थोड़ा सा करीब आके देखें तो ये एक्सपेंसिव मार्बल यूज़ किया गया है यहाँ पे, नॉर्वेजियन है मार्बल है, इसके अंदर आप ग्रेन्स देख सकते हैं, यानी शुगर कोटेड एक नेटवर्क है जो इसके अंदर आपको नज़र आता है। उसके साथ यहाँ पर भी आपको लाइटिंग डिस्प्ले मिलता है बहुत ज़बरदस्त, उसके अंदर आपके पास स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, आपके पास बीटरू के अप्लायंसेज हैं, और अगेन आपके पास जेस्चर कंट्रोल्ड ये हुड भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा ऐड करता है इस घर के अंदर। आप इसको बंद भी कर सकते हैं टच से, तो टच ऑपरेटिव भी है। इस साइड पे आपका पानी छाने तोड़ने वाला सेटअप है, आपके पास हायर की साइड बाय साइड नो फ्रॉस्ट फ्रिज मल्टी फ्लो भी यहाँ पर देखने को मिलती है, आपके पास यहाँ पर यूटिलिटी के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और एट द सेम टाइम कुछ स्टोरेज ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी टिंटेड फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। तो भाई कंप्लीट किचन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इवन ऊपर ऊपर तक इसको कवर किया गया था। और अब आ जाते हैं भाई ग्राउंड फ्लोर पर, एक ही कमरा दिया गया है लेकिन कमाल की स्पेस दी गई है, यानी आपके पास वुडन यहाँ पर टाइल वर्क मौजूद है, एलिगेंट सीलिंग है जिसमें आपके पास बहुत एक्सक्लूसिव काम है कलर्स का, बेड वॉल आपको ये मिल जाएगी, और चेक करें कितना बड़ा यहाँ पर आपको मिलता है ज़बरदस्त किस्म का ये स्टोरेज नेटवर्क, यानी कमाल की स्पेस है भाई, इतना बड़ा वार्डरोब सेटअप वो भी ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम पे मैंने आज से पहले नहीं देखा। उसके साथ वॉशरूम यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है, वॉशरूम के अंदर आपके पास कमोड स्पेस है, आपके पास पोटा का यहाँ पर मौजूद है वैनिटी सेटअप, अगेन महोगनी सॉलिड डोर है, और उसके साथ आपको मिलता है भाई यहाँ पर इसका ज़बरदस्त किस्म का शॉवर सेटअप, जिसमें इवन शॉवर कैबिन भी प्लेस्ड है। अभी आप लोग मुझे पता है किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो है कि बेसमेंट में जो पूल एरिया है वो हमें जाके दिखाएं, तो अभी जल्दी से चलते हैं इस घर की बेसमेंट के अंदर, और इस घर में स्विमिंग पूल भी मौजूद है, आपको जाके वो दिखाते हैं, आ जाए मेरे साथ। व्यूअर्स अब एंटर होते हैं इस 11 मरले के घर की मैजिकल बेसमेंट के अंदर, भाई बेसमेंट और वो भी 11 मरले के घर के अंदर, तो ये एक यूनिक पॉइंट है इस घर का, और जिस तरह से इस घर को डिज़ाइन किया गया है, और अब एक एक चीज़ जो खुलती जाएगी आपको इसके अंदर, यानी वेंटिलेशन पॉइंट्स रखे गए हैं, आपके पास मल्टीपर्पज़ जिम स्पेस है, कॉमन स्पेस है, आपके पास एक मास्टर बेडरूम है, और ट्रिपल हाइट है, ये सब कुछ दिखाना है आपको, लेकिन सबसे पहले ये जैसे ही
एंटर हुए व्यूअर्स इस एरिया से, तो आपको ये जो ग्लास वर्क नजर आ रहा है इसके पीछे है भाई इस 11 मरला के घर के अंदर स्विमिंग पूल एरिया, जो कि इस घर का एक यूनिक पॉइंट था। और उसके साथ जैसे ही ये टाइल वर्क यहाँ से डिफरेंट होता है, यानी आपके पास रगेडनेस आती है, तो आपको मिलता है व्यूअर्स एंट्री पॉइंट इस स्विमिंग पूल एरिया का। यानी आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है, 11 मरला के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल आपको इवन कनाल की स्पेस के अंदर भी नहीं मिलता। और उसके साथ इतनी बड़ी स्पेस के साथ आपको एक वेंटिलेशन ट्रिपल हाइट ग्लास लाइट भी मिलती है या स्काई लाइट भी मिलती है, जो आपको वो एरिया नजर आ रहा है वहां पर भी हम चलेंगे, लेकिन आप फिलहाल इसकी जो बेसिकली मार्वलसनेस है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है बेसमेंट के अंदर, यानी आपका दिल कर रहा है कि भाई दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आपका घर 11 मरला का है और इतना खूबसूरत है, तो आपको ये स्पेस मिलती है दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, कि आप इसको एज अ गेमिंग इन्वायरमेंट भी यूटिलाइज कर सकें, या एज अ वो स्पेस जहां पर आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकें। तो ये स्पेस हो गई। उसके साथ इस पूल का जो सारा का सारा सेटअप है वो बेसिकली यहाँ पर है भाई। आपको मिलता है इसका ज़बरदस्त किस्म का शॉवर रूम, जिसमें इवन यहाँ पर भी फैसल सैनिटरी यूज़ की गई है, टाइल वर्क है सेंचुरी का, महोगनी डोर्स हैं, और आपके पास यहाँ पर जो इसका सारा का सारा ऑपरेशनल रूम होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा जो इसका एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब उसके बाद आप सोच रहे होंगे भाई ये बेसमेंट के अंदर क्या चल रहा है, तो ये इसकी ट्रिपल हाइटेड मैग्निफिसेंस है व्यूअर्स। इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस प्लॉट के अंदर बेसिकली 3 ट्रायंगल्स थे, लेकिन इसको इस तरह से यूटिलाइज किया गया है कि वो सारे के सारे जो फ्लॉज या आप एबनॉर्मेलिटीज़ कह सकते हैं प्लॉट की, वो यहाँ पर कवर हो जाती हैं, और जो आपके पास आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है वो निखर कर सामने आती है। यानी ये भाई चीज़ चेक करें, ओए होए 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 हो, आप कमरे से भी एंट्री हो सकती है आपकी इसकी, यहाँ से यहां पर भी ग्लास वर्क है। और मैं चाहूंगा कि आप इस सबसे पहले ये जो स्टोन कार्विंग है सीएनसी मशीन से इसको कार्व किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस कदर एक्सपेंसिव काम किया गया है। यहां पर प्लांटर्स मौजूद हैं, रगेडनेस ऑफ द टाइल्स मौजूद है, लेकिन अभी असल चीज चेक करें, ओए होए 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 व्यूअर्स, ये है इसका सबसे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। यानी आपको मिलता है इसके अंदर ट्रिपल हाइटेड ट्रायंगुलर ग्लास वर्क, जो कि इसकी स्काई लाइट है, और उसके साथ आपको मिलता है इसका नेक्स्ट लेवल एक टेरेस व्यू भी, जो इसके 3 लेवल्स को डिफाइन करता है। यानी यहाँ खड़े होके एक तो मैं यहाँ पर इसका जो वाव फैक्टर है उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ कि भाई 3 डिफरेंट लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी जो बेसिकली यहाँ पर विड्थ है या हाइट है मैं उसको भी देख पा रहा हूँ। उसके साथ आपको ये जो मैग्निफिसेंट रूम मिलता है, मास्टर बेडरूम इसकी बेसमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास इन्वर्टर फैंस हैं, आपके पास वॉशरूम स्पेस है, बड़े यूनिक कलर पॉइंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये जो आपको ट्रिपल हाइटेड स्पेस मैंने दिखाई इसका भी व्यू आपको इसके बेडरूम से देखने को मिलता है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके मास्टर वॉशरूम के अंदर। इसके साथ आपको लॉन्ड्री स्पेस भी यहां पर मिलती है, यानी आप लोग यहाँ पर लॉन्ड्री सर्विसेज भी कर सकते हैं, जो कि घर के अंदर एक प्रैक्टिकल पॉइंट होता है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर पोटा के सिंक्स मौजूद हैं, वैनिटी सेटअप है जिसमें वैनिटी मिरर मौजूद है, आपके पास कमोड स्पेस है, वार्डरोब स्पेस है, और आपके पास यहाँ पर लगा है टेम्पर्ड ग्लास पार्टीशन, जिससे आपको मिलता है व्यूअर्स ये सेटअप भी। तो मैंने कहा लगे हाथों आपको बेसिकली इसका डिटेल टूर भी करवाता हूँ। जितना भी टाइल वर्क है मैं आपको बता चुका हूँ, सारा का सारा सेंचुरी का है, लेकिन अभी लास्ट पॉइंट मैंने आपको नहीं दिखाया, चूँकि ये ग्लास वर्क था भाई, कि भाई पूल को एक रास्ता मैंने आपको बताया था यहाँ से भी एंटर हो रहा है, तो आए मेरे साथ ये चेक करें। ओए हो हो हो, एक तो अगेन रिमोट कंट्रोल, आपके पास सारे के सारे यहाँ पर फैंस मौजूद हैं, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। अब ये है भाई एक कॉमन मल्टीपर्पज़ ग्लास कवर्ड सारा का सारा रूम, जो कि इस घर की जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ हैं उसको इम्प्रूव करता है, जो आपके पास आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और स्पेस यूटिलाइजेशन है उसको दिखाता है। आप इसको जिम बना सकते हैं, आप इसको मल्टीपर्पज़ स्पेस बना सकते हैं, और ये तीनों फ्लोर्स पे आपको डिफरेंट लेवल्स पर इस तरह की मार्वलसनेस मिलेगी। उसके साथ भाई यहाँ से आपने एंट्री ले ली है आप इसके इस स्पेस में, जो कि इसका सारा का सारा पूल सेटअप था, और यहाँ पर इसकी स्काई लाइट लगी हुई है जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी, वो यहां से भी आपको नजर आ रही होगी थोड़ी सी। तो एक तो रूम बहुत अच्छा मिल गया, लाइटिंग इंडक्शन बहुत अच्छी होगी, और उसके साथ एट द सेम टाइम जो आपके पास फ्लो ऑफ कलर्स या एक रिदम है घर का बेसमेंट का, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी चलते हैं व्यूअर्स जल्दी से इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और उसके ऊपर जो खास पॉइंट्स है, और फिर हमने इसका रूफटॉप गार्डन भी देखना है, वो जाके आते हैं। आ जाए मेरे साथ।
व्यूअर्स, इस घर के ग्राउंड फ्लोर की मैग्निफिसेंस और बेसमेंट के कमालात देखने के बाद अब हम एंटर हो चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और यकीन माने, बाहर से जब आपने इस घर को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि भाई इसके अंदर कितने ज़्यादा मल्टी फेसेटेड टेरेसेस हैं आपके पास, कितने ज़्यादा डायमेंशंस हैं जो अंदर आके इस घर के पता चलते हैं, यानी ये घर अनफोल्ड हो ही जा रहा है भाई, इतने ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस हैं। उसके साथ अब ये फर्स्ट फ्लोर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पास एक खूबसूरत यहाँ पर ब्रिज है जो आपको लेके चलता है इस घर के इस मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसमें आपको ना एक मल्टी टेरेसेस फेसेट टेरेसेस भी मिलते हैं आपको। उसके साथ आपको यहाँ पर भी मिलती है स्काईलाइट। उसके साथ ये जो नेटवर्क ऑफ स्टेयर केस है, इसमें आपको खूबसूरत किचनेट स्पेस भी देखने को मिलती है। और इसके पीछे मेरा फेवरेट पॉइंट ऑफ द हाउस है, जिसको डिज़ाइन तो एज अ बिलियर्ड रूम किया गया था, लेकिन अब इसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप यूज कर सकते हैं इसको किसी भी काम के लिए भाई, मल्टीपर्पज स्पेस है। और सबसे पहले ना इसी का विजिट आपको मैं करवाता हूं। एक तो आपके पास सेंचुरी एस अब्दुल्ला टाइल वर्क है, कंप्लीट नेटवर्क ऑफ टाइल्स है इस कंप्लीट घर के ऊपर। लेकिन यहां पर चेक करें भाई, आपके पास खूबसूरत ग्लास वर्क है जिसने इसको एज अ सनरूम भी आप ट्रीट कर सकते हैं। और बाहर से जब हमने इसको देखा था इस स्पेस को, तो इसमें दो वी कॉलम्स है, यानी एक फ्लोटिंग स्पेस थी, फ्लोटिंग मल्टीपर्पज रूम था बाहर से। अब यहां पर इसको चेक करें, सबसे पहले तो मैग्निफिसेंट व्यू यहां पर देखें कितना खूबसूरत है। इसको मैं दो टाइम जोन्स में शूट करूंगा, आपको इसका शाम का व्यू भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस टाइम का जो व्यू है, यानी अच्छी खासी लाइट, वेंटिलेशन आप अगर ओपन कर देते हैं विंडोज, आपके गार्डन का व्यू और कंप्लीट माउंटेनस रेंज का जो व्यू है वो आपको देखने को मिलता है। इसको एज अ बिलियर्ड रूम डिजाइन किया गया था, बीच में आपका बिलियर्ड है, आपके पास खूबसूरत शैंडेलियर स्पेस है और आपकी स्टिक्स यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं नमाज के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्टडी लाउंज, आप इसको एज अ बॉस मोड यूज कर सकते हैं जहां पर आपका ऑफिस बनाओ, या कोई भी बच्चों का किड्स बेडरूम कितना खूबसूरत लगेगा इस व्यूज के साथ जब वो सुबह के टाइम उठेंगे। तो व्यूअर्स, ये सारी स्पेस थी कनेक्टेड टू द होल हाउस। आपके पास 360 डिग्री या 180 डिग्री व्यूज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और उसके साथ अब आप एंटर हो जाते हैं वापस उस खूबसूरत दुनिया में जो आपका ये 11 मरले का घर है। उसके साथ ये वो ब्रिज है जो मैंने आपको दिखाया, उसके साथ बेसमेंट के अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी स्पेस वो ये है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब बेडरूम्स, क्योंकि दो बेडरूम्स आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इनका एक कंप्लीट विजिट भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाइब्स के अंदर घर बना हुआ है, खूबसूरत रेलिंग, इस साइड से भी आपको व्यू मिलता है, इस साइड से आपके पास ट्रिपल हाइटेड व्यू है बेसमेंट का। और ये वो बेडरूम है जो कि एक मास्टर बेडरूम है। अब ये चेक करें भाई साहब कितना खूबसूरत, यानी आपके पास वुडन कार्व्ड एक खूबसूरत फीचर्ड वॉल है जो कि इस घर की, इस कमरे की एक कंप्लीट वॉल को यहाँ पर वुडन कार्व किया गया है। उसके अंदर कलर्स कितने वाइब्रेंट है, कितने मज़ेदार की सेचुरेशन है। और ये कमरा भी ना आपको एक फ्लोटिंग फील देता है, यानी एक तो इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग आपको देखने को मिलती है, सीलिंग इज वेरी मिनिमलिस्टिक एंड एलिगेंट। और एट द सेम टाइम इस कमरे को मास्टर इसलिए कहा जा रहा है कि इसका व्यू यहां से भी है कम्युनिटी सेंटर का, और इस कमरे के साथ भाई आपको मिलता है एक टेरेस भी, यानी 180 डिग्री व्यू वाला टेरेस, जिसके अंदर अगर हम आते हैं तो आप फैमिली के साथ यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। इसका व्यू इस साइड से मस्जिद का भी है, कम्युनिटी सेंटर का भी है, माउंटेनस रेंज का भी है। और ये जो एटमॉस्फेरिक फील है इस कमरे की, जिसमें ये टेरेस आपको कनेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी घर वही होता है जिसमें आपके पास ऑब्वियसली कुछ बाहर के कनेक्शंस भी हों, एटमॉस्फेयर से भी कनेक्शन हो, और वो कम्प्लीट आर्किटेक्चर वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं इसके वॉशरूम के अंदर, यानी जहाँ जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, एक नया सरप्राइज आपके लिए मैं कह रहा हूँ अवेट कर रहा होता है, जैसे कि ये खूबसूरत जकूजी यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर मोटर्स ही मोटर्स हैं। प्लेसमेंट चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, यानी कोई भी चीज़ किसी के आप ये देख सकें कि स्पेस के अंदर नहीं आ रही। वैनिटी डिस्प्ले विथ फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप, जिसमें आपके पास फ्रंट लिट सेटअप भी मौजूद है। उसके अंदर यहाँ पर आपके पास फैसल सैनिटरी पोटा और सेंचुरी की सारी फिटिंग्स हैं अलॉन्ग विद द टाइल्स। और ये सेटअप चेक करें भाई साहब, आपको मिलता है यहाँ पर शॉवर कैबिन और एट द सेम टाइम रेन शॉवर यहाँ पर मौजूद है विद कंसील्ड सारी की फिटिंग्स जो कि फैसल सैनिटरी की हैं। और स्पेस इतनी ज़्यादा है कि पावे तुसी ये थे वॉक करो, कोई मसला नहीं, इतनी ज़्यादा स्पेस आपको वॉशरूम के अंदर सिर्फ नहाने वाले एरिया के अंदर मिलती है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर दिल नहीं भरा तो ये जो मैश ऑफ टाइल्स है, आप पावे जगूजी चवाड़ लो, उसके साथ वॉल हंग कमोड मौजूद है अलग स्पेस के अंदर, और फिर वैनिटी सेटअप, और उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर वार्डरोब स्पेस का एरिया। तो ये सारा कुछ एक बेडरूम के अंदर है भाई। आगे आ जाते हैं व्यूअर्स, किचनेट स्पेस आपके पास। अब इस साइड पे आपको मिलता है एक और बेडरूम जो कि इस घर का
फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। बहुत ज़बरदस्त स्पेस, आपके पास आराम से एक फीचर्ड वॉल के साथ एक बेड आ जाएगा। इसकी यूनिक बात यह है इस बेडरूम की कि आपको ये स्पेस मिलती है जहाँ पे आपके पास पीछे की तरफ व्यू भी मौजूद है। तो एक व्यू ये है, दूसरा व्यू की अगर बात करें तो आपके पास ये टेरेस मौजूद है जहाँ पर आपको मैं खड़े होकर दिखा रहा था ये सारा का सारा सिस्टम, और उसके साथ ये इसका वॉशरूम सेटअप है भाई। ज़बरदस्त किस्म का मिरर इफेक्ट आपको मिलता है जिसमें एलुमिनियम प्रोफाइल लाइटिंग मिलेगी आपको, कंप्लीट मिरर है यानी आपका बिल्ट इन ड्रेसिंग सेटअप है। इसके बाद जो नेचुरल कलर्स का यहाँ पर मिक्सचर है ना, आपको एक मार्बल इफेक्ट मिलता है उसके अंदर, ग्रेन्स बड़े ज़बरदस्त हैं, टाइल वर्क बड़ा एक क्रीमी टाइल वर्क है उसके अंदर, कमोड वॉल हंग, सेंचुरी की फिटिंग्स आपको मिलता है यहाँ पर, वैनिटी डिस्प्ले जिसमें खूबसूरत वैनिटी मिरर, और एट द सेम टाइम अगेन आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसमें यहाँ पर शॉवर सेटअप है, और इतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस है जिसमें नीचे है, आपके पास ड्रेन्स हैं, तो सब कुछ मैनेजेबल है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस घर के रूफटॉप एक्सपीरियंस के ऊपर, और मैं जाके आपको इसका रूफटॉप दिखाता हूं, जल्दी से आ जाएं। व्यूअर्स अब एंटर होते हैं इस घर के बेसिकली रूफटॉप के ऊपर। आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर रूफटॉप गार्डन भी मौजूद है, तो आपके पास मम्टी स्पेस है जिसमें आप कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं, इवन सर्वेंट प्लेस भी ये बन सकती है, और ये एक्चुअली में इसका रूफटॉप है भाई। सबसे पहले आप इस व्यू को एंजॉय करें क्योंकि इतने ज़्यादा तो टेरेसेस मौजूद थे, सबसे व्यू आता है, लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो इम्पेकेबल है और बहुत ही ज़्यादा पिक्चरेस्क है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट माउंटेन रेंज कवर होती है, और उसके साथ अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर टर्न होते हैं ना तो आपको मिलती हैं दो दो वो स्काईलाइट्स जो नीचे से मैंने आपको दिखाई थी, कंप्लीट टेम्पर्ड ग्लास, लेकिन व्यू यहाँ से भी आपको मिलता है। अगर आप बारबेक्यू पार्टीज़ कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो ऑब्वियसली आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और ये चीज़ चेक करें, आपके पास एक गजीबो मौजूद है जो कि 180 डिग्री तकरीबन इसका व्यू है, औरतों के लिए भी परफेक्ट व्यू, मर्दों के लिए भी परफेक्ट व्यू, और आप यहां पर बैठकर बारबेक्यू पार्टीज एंजॉय कर सकते हैं भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल सीन चल रहा है यहां पे। फ्लोटिंग लाइटिंग सेटअप है आपके पास, बहुत ज़बरदस्त यहां पर वुडन फ्लोरिंग है, आपके पास लूअर्स हैं, और कंप्लीट व्यू से आप यहां पर जो है वो आरास्ता हैं। तो जल्दी से जाएं व्यूअर्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 5.75 करोड़ रुपया है, और उसके साथ आप इसको ख़रीद सकते हैं, विजिट्स प्लान कर सकते हैं हमारे नंबर पर रब्ता करने के बाद, और इस घर की कोई ना कोई डील बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।